मैंने जो भी कहा है जरूर बना है, मैंने चौपाटी कहा तो चौपाटी बना है। मैं सिर्फ बिल्डर नहीं बन सका जिंदगी में और किसी को रुका नहीं सका। यहाँ पे इतने बिल्डर है, मैं एक भी बिल्डर में पार्टनरशिप पार्टनर नहीं हूँ। मैं कोई एक इलाका मेरे बाप का इलाका समझ के उसको किधर भी बिल्डर को आने ही नहीं देने का, ये काम मेरा नहीं है। यहाँ मुमरा में जो भी आया वो बिल्डिंग बनाते चला गया, कहीं ने इलीगल बनाई कहीं ने लीगल बनाई, जितेंद्र रावत ने किसी को रोका नहीं। बेशक सही बात है, इलीगल बिल्डिंग तो नहीं बननी चाहिए। मेरे राबोड़ी के 20 साल के अंदर आप देखेंगे इलीगल बिल्डिंग बनी नहीं, घरों के रिपेयर काम माले चलते रहते, हम जितना हो सके उसको रोकते हैं, अधिकारी रोकने की कोशिश करते हैं। इलीगल बिल्डिंग बनने को दिए नहीं, मगर बनी तो जो मेरी सुनी, मैं तो खुल के स्पीच में कहा कि जो मेरे साथ उसकी बिल्डिंग बनेंगी, जो मेरे साथ में उसकी कंप्लेंट होंगी, उनके ट्वीट्स पढ़ के देखिए और किस किस के खिलाफ बोल रहे हैं, वहाँ कितने काम चल रहे हैं और कैसा वो करते हैं। पार्टनरशिप नहीं दे पाया, बेचक सब बात, वो कभी झूठ नहीं बोलते, वो पार्टनरशिप नहीं लिए। इसीलिए राबोड़ी के अंदर 2002 के बाद जो राबोड़ी मेरे हलके के अंदर सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो रुस्तम जी आया, वो रुस्तम जी से पैसे कौन लिया, वो बंगला किसके नाम पे, क्यों ये सब चीज़ पर्सनल निकालने के इसमें जाते। मैंने पार्टनरशिप नहीं लिया हूँ, पार्टनरशिप उनको मिली है। ऑफिशियली महीने का क्या आता है उनके अकाउंट्स में, वो वाइट पेपर शो करे बंगला किसके नाम पे, कलेक्टर से डॉक्यूमेंट कॉरपोरेशन से प्लान निकालो, मालूम पड़ जाएगा। और वो प्रोजेक्ट राबोड़ी में चल रहा है, वो गलती हो गई रहेंगी, उन्होंने नजीब ने ले लिया बोलना चाहिए था, उन्होंने खुद के ऊपर डाल दिया। उनका मानना है कि, और दूसरी बात, बंगले के पेपर्स जाके देखे तो पार्टनरशिप उन्होंने ली, वार्ड मेरा था, ये मोहब्बत का नाता था। उस दिन मैंने गलती का एहसास अपना स्टेज